जय श्री राम। इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधु एवं प्यारे भक्तगण, आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। क्यों भगवान श्री राम ने चकवा चकवी पक्षी को दिया था श्राप? क्यों भगवान श्री राम ने मोर को दिया था श्राप? क्यों भगवान श्री राम ने कोयल को दिया था श्राप? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनते हैं और ऐसे ही कथाओं को सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी सूचना आपके मोबाइल के द्वारा सबसे पहले प्राप्त हो जाया करे। चलिए आपका समय न लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कथा उस समय की शुरू होती है जब सीता हरण हो गया था। प्रभु श्री राम बहुत दुखी थे और वन वन सीता जी की खोज कर रहे थे। उस समय वो माता सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और सबरी को एक ज्ञान उपदेश देकर उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। तब देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और स्वर्ग में नगाड़े बज रहे हैं। सबरी का इस प्रकार उद्धार करके रणधीर श्री राम वहाँ से चल दिए। तब लक्ष्मण ने कहा, हे रघुवीर, मुझे अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। अनंतर श्री राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया। उस उपदेश वचन वाली का नाम राम गीता है, जो मित्रों बड़े बड़े सुर या दुर्लभ कोई भी प्रजाति हैं जिनको ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जो मैं आज आपको इस रामायण के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप निश्चिंत होकर इस बात को सुने, और बता दिया कि आत्मा परमात्मा एक खंड और व्यापक है। फिर सार असार विवेक के उपदेश से लक्ष्मण के मन में संशय रहित कर दिया और फिर कहा, परमात्मा पूर्ण सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान धन है और निर्जीव और सजीव सब में उनके दर्शन होते हैं, उनका अस्तित्व है। उन्होंने लक्ष्मण को इस समस्त प्रपंच को रस्सी और सर्प तथा मृग जल की भांति मिथ्या जलता जतला दिया और बताया, रस्सी सर्प नहीं है, फिर भी उसमें सर्प का भास होता है, मृग में पानी का भास मात्र होता है। इस प्रकार वस्तुतः यह संसार कुछ भी नहीं है, फिर भी दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, आभास है। तो लक्ष्मण ने सर्वत्र एक ही आत्मा को देखते हुए जैसे उसे वैसे ही यथार्थ रूप में जान लिया। इस प्रकार लक्ष्मण को उपदेश देकर श्री राम जी विरूपाक्षी क्षेत्र आ गए। मित्रों, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा, हे पार्वती जी, यह संसार एक स्वप्न की भांति है और जैसे ही आँख बंद होती है तो सब कुछ स्वप्न के टूट जाने जैसा दिखता है, और सिर्फ हरि का भजन ही संसार में सच्चा है, जो आपको इस लोक से परलोक में भी काम आएगा और आपको मोक्ष प्रदान करता है। जिस प्रकार हम कोई भी कार्य यहाँ कर रहे हैं वह सच नहीं है। मृत्यु के बाद जब आत्मा इस लोक से जाती है तो उसे इस चीज़ का भास होता है कि मैं तो एक स्वप्न की भांति इस समय दूसरे लोक में विचरण कर रही थी, वास्तविक लोक तो मेरा यह था, लेकिन जो प्रभु ने मुझे कहा था उस कार्य को मैं पूरा नहीं कर पाई और बार बार अपने आप को प्रायश्चित करती है। इसीलिए कहा गया है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मित्रों, इसके बाद वहाँ शिव जी का विश्राम स्थान है जहाँ भगवान श्री राम पहुँच गए, और इसके अतिरिक्त वह विश्रांति वन शोभायान भी है। वहाँ एक सुंदर स्फाटिक गुफा दिखाई दी, वहाँ एक पवित्र स्फाटिक शिला थी। श्री रघुवीर पंपा सरोवर के तट पर जाकर उस स्फाटिक शिला पर बैठ गए। फिर वे लक्ष्मण की गोद में सिर रखकर लेट रहे, और श्री रघुवीर स्वयं लक्ष्मण की गोद में सिर रखकर जब लेटे थे, फिर सीता को स्मरण करके विरह में शरीर में अनुभव करने लगे। उस समय पंपा सरोवर के तट पर पेड़ों की शीतल छाया फैली हुई थी। वहाँ लक्ष्मण की गोद में सिर रखकर रघुवीर लेटे रहे, उन्हें सीता का विरह
अनुभव हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू की धारा चल रही थी। वन में पशु पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और बहुत बोल रहे थे। उसे सुनकर श्री जगदीश श्री रघुवीर के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव तो स्वभाव होता ही है, प्रभु श्री राम मनुष्य के रूप में थे। तदंतर उस समय उन्होंने वन में पक्षियों को पशुओं को श्राप दिया। रघुवीर ने कहा, अरे कोयल, तुम्हारे स्वर की तान कम हो जाए। हे मृग मृगी, एक दूसरे का संग करते हुए आखेट करते वक्त तुम्हें आखेटक मार डाले। वहाँ जो हाथी और हथिनी संभोग कर रहे थे वहाँ उनको भी श्राप दिया। कहा कि और कोई बात नहीं रे हाथी हथिनी, सुनो, तुम जब संभोग करोगे उस गजेंद्र हाथी के अंग 7 दिन अचेतन हो जाएंगे। उन्होंने मोर से कहा, तुम मुझसे लज्जा नहीं मानते, अतः तुम नपुंसक हो जाओ। इसके बाद वे शेर से बोले, हे सिंहराज, सुनो, जन्म में केवल एक बार तुम्हें समागम होगा। उन्होंने चकवा चकवी पक्षी से कहा, मुझ बिरही को देखकर तुम संभोग या भोग कर रहे हो तो तुम्हारा एक दूसरे से वियोग हो जाए। ऐसे श्राप को सुनकर समस्त पक्षी और पशु मन में परिताप पछतावा करने लगे और ग्लानि को प्राप्त हो गए। तो वे अनुग्रह पूछने के लिए स्वयं रघुवीर के शरण में आ गए। तब श्री रघुवीर ने कहा, अरे कोयल, तुम्हें श्राप के बारे में कहता हूँ। वसंत ऋतु में तुम्हारा स्वर खुल जाएगा और तब पश्चात बंद हो जाएगा। उन्हें मृग और मृगी से कहा, यदि तुम दिवस में समागम करोगे तो आखेटक तुम्हें मार डालेगा, परंतु रात में निर्भय होकर तुम जो चाहो वह आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर सकते हो। हाथी से कहा, स्त्री संग करने पर तुम 2 घड़ी मूर्छित हो जाओगे। फिर मोर के बारे में उन्होंने कहा, मोर के आंसू बिंदुओं के उसके अंश का विस्तार होता जाएगा। उन्होंने चकवा चकवी पक्षी से कहा, तुम्हारा वियोग रात में रहेगा, तुम दंपत्ति दिवस में मिल पाओगे और तब तुम्हारा संयोग हो पाएगा। तदंतर उन्होंने शेर से कहा, एक बार के समागम से तुम्हारे एक संतति उत्पन्न हो जाएगी। यदि तुम्हारे अनेक संतानें हो जाएं तो समस्त विश्व को उजाड़ कर देंगी। समर्थ रघुवीर ने इस प्रकार सब पर अनुग्रह किया। तदंतर वह लक्ष्मण सहित पंपा सरोवर के तट पर विराजमान रहे। अरण्यकांड की यह पावन कथा यहाँ पूर्ण हो गई। मैंने अपनी बुद्धि से अनुसार यथार्थ रूप से कहा है। हे श्रोताजनों, उसे सुनिए और आगे की कथा आपको मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक आप लोगों से फिर दोबारा एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को आप सुनना पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बार आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन सारी कथाओं को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इन किताबों को पढ़ सकते हैं। और आपको वो वेबसाइट का लिंक मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी, जहाँ से आप जाकर उस वेबसाइट को खोल करके पढ़ सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपसे एक निवेदन आखिरी करना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।